मछली। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नवंबर महीने में तीसरी बार रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गरम भोजन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से बच्चों को खाना परोस कर खिलाते नजर आए। अभी खाओगे ना? सीएम ने बच्चों को उनकी मनपसंद के खिलौने भी गिफ्ट किए। ये तो तुम्हें कौन सा? ये वाला मछली। और इनको क्या चाहिए? ये सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ भी किया। ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हॉट कुक्ड मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा अर्चना की और प्रसाद भी चढ़ाया। हनुमान जी की आरती पूजा करने के बाद वे सीधे रामलला के दरबार पहुंच गए। उन्होंने रामलला की पूजा आरती करने के बाद निर्माणाधीन राम मंदिर का भी दर्शन किया। मंदिर निर्माण कार्य देखकर सीएम योगी खुश भी नजर आए और इंजीनियरों की पीठ भी थपथपाई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।